हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली. सो हियर आई एम लारे फातिमा. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स. एंड आज का टॉपिक है हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 एंड सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में एंड सर्विस सेक्टर्स के बारे में. सो यहाँ पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो आपका जो भी सिलेबस है वो सारे ही टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं एंड जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपटीशन एक्ट के बारे में एंड कंपैरिजन बिटवीन एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट. सो कंपटीशन एक्ट आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कंपटीशन एक्ट क्या होता है. कंपटीशन एक्ट 2002 वाज इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्न्स इंडियन कंपटीशन लॉ. यहाँ पर क्या बोला है कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया था एंड इंडियन कंपटीशन लॉ के द्वारा गवर्न किया गया था. इट रिप्लेस आर्किंग द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. जो कंपटीशन एक्ट लाया गया था 2002 में वो किसको हटा के लाया गया था, एमआरटीपी एक्ट को हटा के लाया गया था. एंड एमआरटीपी एक्ट क्या था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो 1969 में बना था. ठीक है. Under this legislation, Competition Commission of India was established to prevent the activities that have an adverse effect on competition in India. तो यहाँ पर Competition Commission जो था इंडिया का, उसने ऐसे establish किया कि जो भी activities है उनको prevent किया जाए जिससे competition पर बहुत ज्यादा adverse effect पड़ता है. This act extend to whole of India. जो Competition Act लाया गया वो पूरे इंडिया में यहाँ पर extend होता है. ठीक है. The core objective of Competition Act 2002 is to promote the competitive process in Indian economy. जो main objective था हम कह सकते हैं competition act 2002 का वो क्या था कि competitive process को Indian economy में promote करना. ठीक है. The following are the objectives of the act. क्या objectives और थे, to prevent practices that have a negative effect on competition. ऐसी practices जो हो रही हैं जिससे competition पर negative effect पड़ता है उसको उससे prevent करना, उससे बचाना. And the next was to promote and sustain कंपटीशन इन द मार्केट. मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन रखना. एंड टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना और जो ट्रेड हो रहा है उसको ये इंश्योर करना कि वो फ्रीली हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्रीडम देना. ठीक है, ट्रेड को. तो कंपटीशन एक्ट क्या था, सिंपली हम कह सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट में ये बोला गया कि जो कंपटीशन है इंडियन इकोनॉमी में, जो कंपटीशन है उस पर गलत इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, कंपटीशन को सस्टेन रखा जाए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द एक्ट इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स वर्ल्ड ओवर द कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर, प्रमोट कंज्यूमर वेलफेयर, इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. जो एक्ट था वो किसके बेस पर था, ये फाइंडिंग्स के बेस पर था. जो भी सारी फाइंडिंग्स थी पूरे वर्ल्ड में, ये माना गया था कि कंपटीशन जो है प्रोड्यूसर्स में वो क्या प्रमोट करता है, कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज किया जाए, ऑप्टिमम यूज किया जाए. दिस इज ऑल्सो द लाइन विद द फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस दैट इज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें यह भी बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है कि भाई आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये बोला गया है कि आपको ये राइट है कि आप कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इज सेटअप टू प्रमोट द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन को, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, CCI जो था वो क्यों बनाया गया था, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए एंड कॉम्पिटिशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या था, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक्ट डिफाइन एनी एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया एज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड दस शैल बी वॉइड. अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किसको माना गया, एंटी कॉम्पिटिटिव नाम से समझ आ रहा है कि कॉम्पिटिशन को जो खत्म करे, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आती होगी, जिस एग्रीमेंट में आती होगी, तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा एंड उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा. ठीक है.
तो कैसा एग्रीमेंट है जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल गुड्स पर या प्रोविजन सर्विसेज का, ऐसी किसी भी वजह से उसमें ये देखा जाए कि जो कंपटीशन पर इफेक्ट पड़ रहा है वो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। एंड सच एन एग्रीमेंट कुड बी रिटन, अनरिटन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऐसा जो एग्रीमेंट हो वो चाहे कैसा भी हो, रिटन हो, अनरिटन हो, ओरल हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ठीक है। देन सेकंड इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक्ट में ये बोला गया कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द अब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द रेलेवेंट मार्केट बाय अ फर्म। 4 सेक्शन जो था उसमें ये बोला गया कि जो भी प्रोविजंस हैं एब्यूज को लेकर कि डोमिनेंट पोजीशन जो है किसी भी मार्केट में किसी भी फर्म की, उस पर अगर एब्यूज किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया था। डोमिनेंट पोजीशन इज एक्सप्लेन एज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ विच इनेबल फर्म टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इन द मार्केट, अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर इन इट्स फेवर। हम कह सकते हैं पोजीशन मतलब कि कोई भी एक बिजनेस है, कोई भी एक ब्रांड है, उसका मार्केट में क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन के रिगार्डिंग यहां पर बोला गया है कि अगर उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको अब्यूज किया जाएगा तो वो क्या होता है यहां पर, कि ऐसी पोजीशन या स्ट्रेंथ उसकी जो उसको इनेबल करती है फर्म को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए जो भी उस पर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस लग रही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेक्शन 5 में यहां पर डिफाइन किया गया, अ कॉम्बिनेशन इज वन दैट इंक्लूड एन एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड मर्जर और एमलगमेशन। इसमें हमारा एक्विजिशन आ जाता है, एक्वायरिंग कंट्रोल आ जाता है, मर्जर या फिर एमलगमेशन। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग पता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कंबाइन होना, ठीक है। कंबाइन होना मतलब एड होना, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बिजनेस फर्म एड हो रही है उनको रेगुलेट करना। एक्विजिशन मतलब कि कोई भी एक बिजनेस फर्म है उसने दूसरी बिजनेस फर्म को एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्वायरिंग, ठीक है। एंड देन सेकंड है मर्जर। मर्जर का मतलब भी ऐड होना होता है, ठीक है, जब दो बिजनेस फर्म ऐड हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। और अमेलगमेशन भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि जो भी कॉम्बिनेशन है फर्म्स का, बिजनेस फर्म का, उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। द कॉम्बिनेशन इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ साइज रिलेटेड थ्रेशहोल्ड एंड ओनली द फर्म अबव दीज लिमिट्स आर सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कमीशन। साइज रिलेटेड थ्रेशहोल्ड भी हो सकता है कि भाई स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, मीडियम साइज है बिजनेस का, जैसा भी साइज है फर्म का, उस हिसाब से यहाँ पर बोला है कि कॉम्बिनेशन वैसे डिफाइन किया जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2006। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल जो था 2006 में वो क्या था, द सुप्रीम कोर्ट मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशन अबाउट कॉम्पिटिशन एक्ट एंड दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 अमेंडमेंट दे आर एस अंडर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए थे कॉम्पिटिशन एक्ट को लेकर, वो 2007 के अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट हुए। अब वो सारे क्या थे यहाँ पर देखते हैं। स्टैचुरी रेगुलेटर कैन स्यू मोटो मेकअप रेफरेंस टू द कमीशन फॉर इट्स ओपिनियन एंड आफ्टर रिसीविंग इट्स ओपिनियन मस्ट गिव रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द कमीशन्स व्यू। कोई भी स्टैचुरी रेगुलेटर यहाँ पर स्यू मोटो कर सकता है एंड उसका एक प्रेफरेंस बनाना होगा कमीशन का, इसके लिए कि जो भी ओपिनियन यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं तो, और जो नहीं मतलब यहाँ पर कि जो चीजें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका आपको रीजन देना होगा। एंड सेकेंड इज द कमीशन ऑन इट्स ओन कैन ऑर्डर द डिविजन ऑफ डोमिनेंट इंटरप्राइज। जो कमीशन है वो अपने बेसिस पर, ओन बेसिस पर यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है किसी भी डोमिनेंट इंटरप्राइज के डिविजन का। एंड नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी एबल टू मेक रेफरेंसेज टू द कमीशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रेफरेंसेज बना सकती है कमीशन को लेकर। एंड नेक्स्ट इज इट इज मैंडेटरी टू गिव प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ एन ऑप्शन एज पर एग्जिस्टिंग रूल। यहाँ पर ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि आपको प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा किसी भी कॉम्बिनेशन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन अभी हमने देखा पीछे क्या होता है, किसी भी दो फॉर्म का कॉम्बिनेशन जब वो कंबाइन होती है, यहाँ पर बोला है आपको प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा इंस्टेड एक ऑप्शन के, कि जो पहले से रूल्स बने हुए हैं उसके बदले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देना होगा। एंड नेक्स्ट हम
देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट. कंपटीशन एक्ट जब लाया गया 2002 में, उससे पहले क्या था, एमआरटीपी एक्ट था 1969 में. तो दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज. द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट दैट द गवर्नमेंट यूज फॉर 1969 to 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, 1969 में एमआरटीपी आया था. तो बेसिस क्या है, फर्स्ट बेसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम एमआरटीपी और कॉम्पिटिशन एक्ट में डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट इज फोकस एंड बेस. बेस क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन प्री लैबलाइजेशन. जब हमारा कंपटीशन एक्ट आया तो कंपटीशन एक्ट में बोला गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा. बट उससे पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर को ये लिबरलाइजेशन नहीं थी, ये फ्रीडम नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर सके. ठीक है, सो जो एमआरटीपी एक्ट होता है वो प्री लिबरलाइजेशन आया था. लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी थी हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे पहले के बेस पर था एमआरटीपी. बट कंपटीशन एक्ट जो था वो पोस्ट लाइबलाइजेशन के बेस पर था. ठीक है, एंड देन फोकस क्या था, कर्विंग मोनोपोलीज. जो एमआरटीपी एक्ट था उसका मेन फोकस ये था कि जो भी मोनोपोलीज है उनको कम करें, खत्म करें. ठीक है, मोनोपोली क्या होता है, सिंगल फर्म जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करती है. ठीक है, एंड कंपटीशन एक्ट जो आया उसमें क्या बोला गया कि ये प्रमोट करेगा कंपटीशन को. कंपटीशन का प्रमोट होगा भाई जब आप ही की तरह कोई दूसरा प्रोड्यूसर मार्केट में आएगा. बट एमआरटीपी में ये बोला जाता था कि मोनोपोली को कर्व करो. एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जिस पर जो भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस थी जिन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि ये आप नहीं कर सकते ट्रेड में, तो उनसे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जो था वो कंपलसरी था. बट कॉम्पिटिशन एक्ट जो था उसमें ये प्रोवाइड नहीं किया गया था कि रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट का जरूरी है. डोमिनेंस क्या था अंडर एमआरटीपी, डोमिनेंस इटसेल्फ इज बेड. डोमिनेंस जो था एमआरटीपी के अंदर वो बेड था. बट जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट आया उसमें डोमिनेंस जो था उसको एब्यूज कंसिडर किया गया और वो उसको गलत माना गया. प्रोविजन फॉर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बोला गया, डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर कॉम्बिनेशन. कि भाई अगर कोई भी फर्म कंबाइन हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसको लेके कोई भी यहां पर सर्टेन प्रोविजन नहीं गिवन था. बट कंपटीशन एक्ट में क्या बोला, कंपटीशन एक्ट में ये साफ साफ बोला था कि कॉम्बिनेशन को लेकर प्रोविजन गिवन है. पेनल्टीज क्या है, नो पेनल्टी फॉर ऑफेंस. अगर कोई भी ऑफेंस होता है, भाई बहुत ही बेकार लॉ है फिर तो ये, कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है. बट कॉम्पिटिशन एक्ट में यहां पर बोला कि पेनल्टीज होती है ऑफेंस के लिए. प्रिंसिपल क्या था, रूल ऑफ लॉ अप्रोच. एंड जो कॉम्पिटिशन एक्ट था उसका था रूल ऑफ रीजन अप्रोच. एंड कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, नो कॉम्पिटिशन एडवोकेसी रोल फॉर एमआरटीपी. एमआरटीपी में क्या होता था, कोई भी कंपटीशन एडवोकेसी नहीं होती थी. बट यहाँ पर जो कंपटीशन एक्ट आया तो सीसीआईएम ने क्या बोला, कंपटीशन एडवोकेसी रोल यहाँ पर रहेगा. एक्सक्लूजन क्या था, ब्लैंकेट एक्सक्लूजन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यहाँ पर एक्सक्लूजन था. बट यहाँ पर आईपीआर का एक्सक्लूजन था, बट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कवर, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते थे वो कवर हो जाते हैं. प्रोविजन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि जो लॉ की नजर में गलत है, कि भाई आप ट्रेड में ये नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो उसको लेके क्या प्रोविजन थे, प्रोविजन वाज देयर इन एमआरटीपी एक्ट सेक्शन 36A. 36A में वहां पर प्रोविजन दिया गया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए. बट जो कॉम्पिटिशन एक्ट था नॉट इंक्लूडेड एंड नाउ अंडर प्रिव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. किसके अंदर आता है ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया, कंज्यूमर राइट्स के लिए बनाया गया. ठीक है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है. तो ये दोनों डिफरेंसेस थे, जो हमारा एमआरटीपी एक्ट था एंड कॉम्पिटिशन एक्ट था उसमें क्या डिफरेंसेस थे, कि भाई बाद में जो कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया पहले एमआरटीपी था, तो क्या क्या चेंजेस थे दोनों में, वो यहाँ पर गिवन है आपको. ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे. द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. सर्विस सेक्टर क्या होता है, अभी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था. मैंने बताया था आपको तीन टाइप के यहाँ पर हमारे सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, एंड टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आ जाती है हमारी. तो सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर होता है. सर्विस सेक्टर रेफर टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज. ये सारी चीजें जो है हमारी ये आ जाती है
सर्विस सेक्टर में, ठीक है, इन एन एडवांस इकोनॉमी द शेयर ऑफ सर्विस इन जीडीपी वुड हाई. यहाँ पर हमारी जो एडवांस इकोनॉमी है उसमें सर्विसेज का शेयर जो है जीडीपी में वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, एज द इकोनॉमी प्रोग्रेस द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी वुड बी इंक्रीजिंग. जब क्योंकि भाई हमारी जीडीपी जो है उसमें तो तीनों सेक्टर आ रहे हैं, तीनों सेक्टर का मिला के ही तो इंक्रीज या डिक्रीज हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है या नहीं ग्रो हो रही है, ठीक है. तो अगर हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो होता है तो उससे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर कैन नॉट बी इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. अब ये नहीं बोला है कि ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है वो आइसोलेशन में नहीं होगी पूरी इकोनॉमी में, ठीक है. द बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अभी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सर्विस सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इकोनॉमी को अच्छे से लॉन्ग रन पे ग्रोथ लानी है तो वहां पर तीनों सेक्टर्स को इंपॉर्टेंट देनी होगी, ठीक है. तो बैलेंस ग्रोथ कब होगी, जब तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ होगी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में. ऑल्सो द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कंजप्शन एंड स्टैंडर्ड विल हैव टेलिंग इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर. अब इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज होती हैं, भाई बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, किसी की इनकम 10,000 है, किसी की इनकम 1,00,000 है. तो यहाँ पर जो इनकम में और वेल्थ में अलग अलग चेंजेस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, तो उसकी वजह से कंजप्शन स्टैंडर्ड जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पाता है इस वजह से. तो सर्विस सेक्टर क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा. सर्विस सेक्टर हमारा वो सेक्टर है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, आप किसी होटल में जाते हैं रुकने, तो वहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, आपको सिर्फ क्या दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है, उसके बदले आपसे चार्ज किया जा रहा है. कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये सर्विस सेक्टर में आती हैं, ठीक है. एंड सर्विस सेक्टर भी हमारे इकोनॉमी को बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि तीनों ही सेक्टर से मिला के हमारी पूरी इकोनॉमी का यहां पर निकल के आता है कि किस तरीके से ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है, ठीक है. सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा. आज के वीडियो में हमने देखा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के बारे में एंड सर्विस सेक्टर के बारे में. कॉम्पिटिशन एक्ट क्या था, आई होप समझ में आ गया होगा. एंड कुछ पॉइंट्स हमने देखे कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन और कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2006 में क्या था, एंड एमआरटीपी एक्ट जिसको हटाकर कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे एंड सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.